बच्चों, जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हम लॉरेंट सीरीज़ कैसे निकालते हैं, और हमने एक एग्जांपल भी देखा था, जैसे ये पिछला लेक्चर है मेरा, तो जिसमें हमने ये सीखा था कि कैसे लॉरेंट सीरीज़ निकालते हैं। तो हमने इस ये जो रीजन है इसमें हमने लॉरेंट सीरीज़ निकाल दी थी। अब हमारी लॉरेंट सीरीज़ बच जाती है किसमें, इसमें निकालने का, इसमें हम कैसे निकालते हैं लॉरेंट सीरीज़। ठीक है, तो जैसे मेरे पास एग्जांपल क्या था, एफ जेड इक्वल टू, फंक्शन क्या था, एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन z-1 इंटू z-2। ठीक है, और इसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन क्या कर दिया था, इसको क्या लिख दिया था हमने, -1 अपॉन z-1 प्लस 1 अपॉन z-2, ये लिख दिया था। ठीक है, अपॉन z-2 ये लिख दिया था हमने। तो अब हम ये देखेंगे कि हमने ये तो लिख दिया इसको -1 अपॉन z-1 एंड -+1 अपॉन z-2। ठीक है, -1 अपॉन z-1 प्लस 1 अपॉन z-2, ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास कौन सा रीज़न है कि 1 is less than mod z less than 2, इसमें हमें क्या निकालनी है, लॉरेंट सीरीज़ निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो लॉरेंट सीरीज़ निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें पता ही है कि एक जो सीरीज़ हमारे पास होती है 1 अपॉन 1 माइनस z, जो क्या होती है 1+z+z² प्लस सोन, वैलिड कब होती है, जब mod z less than 1 है। ये बात है ना। अब देखो मेन चीज़ क्या है कि हम कैसे करके mod z less than 1 बनाएं। अब हमारे पास ये चीज़ है, देखो पहले ये चीज़ जो है ये क्या है, 1 less than mod z less than 2। मैं क्या करूँगा, इस पूरी चीज़ को इसमें कन्वर्ट करूँगा, किसमें, इसमें कन्वर्ट करूँगा। तो पहला क्या है, mod z greater than 1, तो mod z greater than 1 को तो हम क्या लिख देंगे, 1/mod z less than 1। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये हो गया कि mod 1/z less than 1। ठीक है ना, तो ये हो गया। और दूसरा क्या है, इसी का पार्ट दूसरा ये होगा mod z less than 2, तो कहने का मतलब ये हो गया mod z/2 less than 1। होगी ना चीज़ें। अब हमारे पास क्या आ गया, एक तो 1/z less than 1 है और एक mod z/2 less than 1 है। तो अब क्या करेंगे हम, इस कंडीशन से हमने क्या निकाल दिया, एक तो mod 1/z less than 1 और एक mod z/2 less than 1। अब ये जो चीज़ है हमारे पास, जो मेन फंक्शन है हमारा, ये जो है जिसका हमने जो पार्शियल फ्रैक्शन करके आया है, उसको क्या करेंगे, 1/z और z/2 में चेंज कर देंगे, 1/z और z/2 में चेंज कर देंगे, और फिर ये सीरीज़ लगा देंगे, क्योंकि ये सीरीज़ कब वैलिड हो रही है, जब mod z less than 1 है। समझ गए बात को। तो हमें क्या, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एफ जेड है वो क्या है, एफ जेड जो है वो है -1 अपॉन z-1 प्लस 1 अपॉन z-2। अब पहले हम इसमें चेंज करते हैं, ठीक है मोड, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, -1 अपॉन, अब इसको जेड की जगह क्या लाएं, 1/z, तो जेड कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन गया, 1 -1/z। ठीक है, प्लस 1 अपॉन क्या ले लेते हैं, z/2 बनाना है, तो -2 कॉमन ले लेंगे, 1 -z/2। समझा बात। अब ये क्या करेगा, u की तरह काम करेगा और ये v की तरह काम करेगा, तो ये बन गया -1 अपॉन z 1 -u -1/2 1 अपॉन 1 -v। ठीक है ना, और जहाँ क्या होगा, mod u less than 1 और mod v less than 1, यहाँ से, क्योंकि ये तो हो गया u और ये हो गया v, तो u तो हो गया 1/z और v हो गया z/2, तो mod u less than 1 एज वेल एज mod v less than 1।
अब देखो मोड यू लेस देन वन आया और मोड बी लेस देन वन आया, तो हम ये वाली सीरीज लगा सकते हैं। तो ये क्या बन गया, अब ये वाली सीरीज जैसे ही लगाएंगे तो हमारे पास ये वाली जो सीरीज़ है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ी सी, ये वाली जैसे ही लगाएंगे तो ये बन गया माइनस वन बाय जेड, और सॉरी ये हो गया माइनस वन बाय जेड और वन प्लस यू स्क्वेयर प्लस दिस ऑन, और माइनस एक बटा दो वन प्लस वी स्क्वेयर प्लस दिस, ये बन गई। और इसको वापस क्या करेंगे हम, माइनस वन बाय जेड यू की जगह रख देते हैं वन बाय जेड, तो वन बाय जेड प्लस वाई जेड का होल स्क्वेयर ऐसे ऐसे करके, और माइनस एक बटा दो वन प्लस वी की जगह रख देंगे हम जेड बाई टू प्लस जेड बाई टू का होल स्क्वेयर प्लस ओ। ठीक है, तो अब ये सीरीज़ क्या बन गई हमें, अब जब हम दोबारा इसको आगे थोड़ा सा फॉर्म में लिखें तो ये वन प्लस जेड वाले पहले लिख दें और वन बाई जेड वाले लिख देंगे, तो हमारे पास ये जो सीरीज़ बनेगी वो किस टाइप में मिलेगी हमें, तो सीरीज़ हमें मिलेगी वो अब हमारे पास इस टाइप की मिलेगी, जो सीरीज़ मिलेगी हमें वो हमारे पास इस टाइप की मिलेगी, जैसे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, हाँ यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इस टाइप की मिलेगी वन प्लस, इसको हम दोबारा लिखें तो माइनस एक बटा दो वन प्लस जेड बाई टू प्लस जेड बाई टू का स्क्वेयर प्लस ऑन, और माइनस वन बाय जेड प्लस वन बाय जेड स्क्वेयर प्लस वन बाय जेड क्यूब दिस, इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस वन बाय टू समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी जेड बाय टू की पावर एन माइनस समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन बाय जेड की पावर एन। तो ये हो गई ना, ये क्या हो गई, लॉरेंट सीरीज़। मैंने बताया था लॉरेंट सीरीज़ किस टाइप की होती है, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, चाहें तो अंदर रख सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स तो अंदर ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई माइनस प्लस की कोई दिक्कत नहीं है, ए एन जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी बी एन अपॉन जेड माइनस जेड जीरो की पावर एन। इस टाइप की जो सीरीज होती है वो क्या होती है, लॉरेंट सीरीज होती है। अब देखोगे आप कि ये वाली जो सीरीज है वो भी देखोगे तो वो हमेशा इस टाइप की है, तो इसका मतलब ये क्या है, लॉरेंट सीरीज है ना, इसमें जेड की पॉजिटिव पावर भी आ रही है और जेड की नेगेटिव पावर भी आ रही है, तो इस टाइप की सीरीज़ को क्या बोलते हैं, लॉरेंट सीरीज़ बोलते हैं हम। अब ये यहाँ देखोगे जो जेड, यहाँ देखोगे तो जेड जीरो की वैल्यू, क्योंकि इसको लिखा देते हैं जेड माइनस जीरो, इसको क्या लिख सकते हैं हम जेड माइनस जीरो, तो जेड जीरो क्या है, जीरो, इसका मतलब दिस इज लॉरेंट सीरीज अबाउट, तो दिस इज ए लॉरेंट सीरीज अबाउट जीरो, इसके अराउंड है ये, जीरो के अराउंड ये लॉरेंट सीरीज हमारी बनी है। ठीक है, किसी को डाउट है, कोई भी डाउट बता सकता है मुझे, ठीक है, मैसेज कर देना मुझे अगर किसी को डाउट हो, तो लॉरेंट सीरीज है वो जीरो के अराउंड है वो हमारे पास मिलेगी। अब हमारा तीसरा रीज़न रह गया, लॉरेंट सीरीज हम कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास तीसरा रीज़न क्या है, जब मोड जेड ग्रेटर देन टू, इसमें भी सीख लेते हैं। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले इसको चेंज करना है ताकि ये उल्टा चेंज हो जाए, इसका मतलब टू बाय जेड लेस देन वन हो जाएगा, क्योंकि इसको इधर ले जाएंगे नीचे तो टू बाय मोड जेड, क्योंकि टू के आगे मोड लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क। अब हम क्या करेंगे, जो फंक्शंस हैं, जो गिवन फंक्शन है हमारा एफ जेड इक्वल टू वन अपॉन सॉरी जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस टू, इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन प्लस वन अपॉन जेड माइनस टू, यही है ना, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें चेंज करेंगे टू बाई जेड में, क्या करेंगे टू बाई जेड में, जो इस तरीके से यू की तरह काम करेगा, तो टू बाई, अब देखो मोड टू बाई जेड लेस देन वन है तो ऑटोमेटिकली वन बाय जेड भी लेस देन क्या होगा, वन होगा, क्यों, क्योंकि मोड वन बाय जेड हमेशा लेस देन होगा
टू बाय मोड जेड से, क्योंकि वन बाय जेड को अगर टू से मल्टीप्लाई करें तो कोई भी संख्या उसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे ज़्यादा ही होगी नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो, नेगेटिव होगी तो बात अलग है, वो नेगेटिव तो माइनस हो जाएगी, लेकिन मोड लगा दिया तो पॉजिटिव है, जब टू से वन बाय जेड को टू से मल्टीप्लाई करें तो टू बाय जेड, और दोनों ही पॉजिटिव है क्योंकि मोड लगा हुआ है, इसका मतलब वन टू बाय जेड हमेशा, और ये लेस देन वन है तो ये भी क्या होगा ऑटोमेटिकली लेस देन वन ही हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इनको वन बाय जेड और टू बाय जेड में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन जेड कॉमन ले लेंगे तो वन अपॉन जेड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा, कॉमन लेंगे तो वन बाय जेड, और प्लस यहाँ पर हम क्या ले कॉमन ले लेंगे, ये जेड बाई टू है तो हमें किस में बनाना है इसको, टू बाई जेड में बनाना है तो वन बाय जेड यहाँ पर भी कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस टू बाई जेड, ठीक है। अब ये तो हो जाएगा यू और ये हो जाएगा वी, तो ये हो जाएगा वन अपॉन जेड इंटू वन माइनस यू और प्लस या माइनस भी है सॉरी, और वन अपॉन जेड वन माइनस वी का मोड यू लेस देन वन और मोड वी भी लेस देन वन, क्योंकि ये क्या है मोड यू और ये मोड वी। तो अब हम वापस क्या करेंगे, वन बाई यू और वन बाई यू को इस सीरीज़ में रख देंगे, इस सीरीज़ में लिख देंगे और फिर वापस यू की वैल्यूज़ रख, यू और वी की वैल्यूज़ रख देंगे तो यू की वैल्यूज़ वापस रख देंगे वन बाई जेड और वी की रख देंगे टू बाई जेड, तो हमारे पास फिर से एक लॉरेंट सीरीज़ मिल जाएगी। इसका मतलब हमारे पास तीन लॉरेंट सीरीज़ मिली, जीरो के अराउंड है तीनों ही, उनका रीजन्स अलग अलग था इस वजह से तीनों अलग अलग हमें मिली, ठीक है। लॉरेंट सीरीज़ पर एक थ्योरम होती है कि लॉरेंट सीरीज़ अगर किसी एक रीज़न के अंदर दो, कोई भी एक सेम रीज़न के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो भी दो लॉरेंट सीरीज़ निकाल देते हो तो दोनों हमेशा सेम ही होगी, मतलब अगर एक फिक्स रीज़न है उसके अंदर लॉरेंट सीरीज़ हमेशा क्या होती हैं, यूनिक होती हैं, दो लॉरेंट सीरीज़ आपको अलग अलग कभी नहीं मिल सकती, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि लॉरेंट सीरीज़ हमारी सिंगुलैरिटीज़ किस तरीके से बताती हैं, कितने टाइप्स की सिंगुलैरिटी लॉरेंट सीरीज बताती हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, या हो सकता है हम कुछ और एग्जांपल्स भी पढ़ लें, वो देखते हैं हम क्या करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।